हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सो गुड मॉर्निंग। और ये देखिए कि देखिए मेरे पीछे कितना बढ़िया सनराइज़ हो रहा है। सुबह सुबह अभी हो रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग हैं दासना पर और हम KMP पकड़ रहे हैं क्योंकि सोनीपत पर उतरेंगे, फिर वहां से आगे का रूट करेंगे, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये वाला रूट पूरा हिमाचल के लिए। तो व्लॉग बना रहे हैं ये, हम जा रहे हैं हिमाचल और हिमाचल में कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे बताएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए और ये पूरा प्लान फैमिली प्लान है। तो चलिए आइए। मौसम बहुत अच्छा है, बाहर का बारिश हो रही है और आज बढ़िया लग रहा है, निकलने वाला मौसम है बिल्कुल। दिल्ली का पता नहीं बट यहाँ पर करनाल में बहुत अच्छा मौसम है। कन्नू आप बताएंगे? शिमला प्रेडिक्शन दिखा रहा है 3 दिन बारिश, करनाल के अंदर भी बारिश। अच्छी बात है, एंजॉय करेंगे बारिश में। आप बताइए, बारिश थोड़ी हो रही है? हाँ, और यशिका क्या कर रही है? यशिका सो रही है। तन्वी सारा सो भी सो रही है, जब जगेंगी तब बताएंगी तुम्हें, फिर आपको पता चल जाएगा क्या क्या कैसे एंजॉय कर रही है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर सो एक्साइटेड टू गो शिमला। ओके चलो बाप। सो दोस्तों, हम लोग रुके हुए हैं मयूर ढाबे पे और वेट कर रहे हैं अपनी सैंडविच और पराठों का। 3 घंटे की कंटिन्यू ड्राइव के बाद अभी हम लोग करनाल में रुके हैं। करनाल में मयूर ढाबा है बिल्कुल। तो अभी बस यहाँ से ब्रेकफास्ट करके और निकलेंगे हम लोग आगे के लिए। अब टारगेट ये है कि कम से कम हम लोग कालका तक पहुँच जाएँ, कालका के बाद कहीं जाके रुकेंगे। सो अभी भी हमारे पास 5 घंटे की रन है और अभी मैं बता देता हूँ, हम लोग जा रहे हैं शिमला और अभी शिमला जाने का प्लान है। आगे का प्लान शिमला में डिसाइड होगा कि शिमला से कहाँ जाना है, तो ये ओवर प्लान है। चलिए आप लोग एंजॉय करिए वीडियो को। सो हमारे सैंडविच और आलू प्याज के पराठे आ गए हैं जो हमने ऑर्डर किए थे। हमने वैसे ब्रेड पकौड़ा ऑर्डर किया था बट शाम के समय मिलता है और आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा बटर देते हैं ये लोग पराठों के साथ। चलिए आइए खाते हैं। सो रुके थे अभी हम लोग मयूर ढाबे पे करनाल में और ये काफ़ी फेमस ढाबा है मयूर ढाबा। तो अभी मयूर ढाबे से अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और नाश्ता ब्रेकफास्ट हो गया है यहाँ से। तो अभी टारगेट है कि कम से कम 150-200 किलोमीटर गाड़ी चलाएं कंटिन्यू, क्योंकि पहला ब्रेक था दिल्ली के बाद और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। पीछे हल्की हल्की धूप है और बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा हमारे आने से पहले, यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। तो ओवरऑल अभी तक की जर्नी बहुत बढ़िया चल रही है, भीड़ भाड़ है, लग रहा है कि लोग पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं घूमने, ऐसा ढाबों पे देख के लग रहा है कि बहुत गाड़ियां हैं यूपी की, दिल्ली की, जो जा रहे हैं हिमाचल की तरफ। लोग एंटर हो रहे हैं हिमाचल में, ये हिमाचल की एंट्री गेट है, कुछ बढ़िया सा सुंदर सा बनाया हुआ है और रोड आप लोग देख रहे होंगे कालका से, ये जो रोड है कालका शिमला वाला इतना बढ़िया रोड है, 4 लेन है। आगे जाके थोड़ा सा होता है ख़राब बट इन फ्यूचर ये पूरा रोड ऐसा ही हो जाएगा 4 लेन। तो ओवरऑल अभी 11 बज रहे हैं और हम लोगों ने करीब 300 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो टारगेट ये है अगले 1.5 घंटे में हम लोग शिमला पहुँच जाएँ। तो कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से चलेंगे
और अभी 5 मिनट का ब्रेक लिया था, देखते हैं रास्ते में अगर लगेगा तो एक ब्रेक और ले लेंगे। तो ये ओवरऑल है, भीड़ भाड़ अभी तो कहीं मिली नहीं खास, नॉर्मल था सारा सब कुछ, और आगे को आपको अपडेट देते हैं। पहला टोल अभी क्रॉस किया है मेरे पीछे, ये पहला टोल है परवानू के ऊपर, और ये अभी 1 घंटा 1.25 मिनट मतलब 1.25 घंटे का रूट रह गया है यहाँ से शिमला का। बट बच्चे परेशान हो रहे हैं क्योंकि माउंटेन्स पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वॉमिटिंग का, तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं यहाँ पर 5 मिनट का, तो फिर चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। व्यू बहुत अच्छा है, माउंटेन्स का व्यू आपको दिखाया तो सब बिल्कुल ग्रीन हो रखे हैं, बिल्कुल ग्रीन। तो यही एक बेनिफिट है मानसून में आने का कि सब कुछ बिल्कुल ग्रीन दिखता है यहाँ। तो चलिए आप व्यू एंजॉय करो। रणवी की हालत ख़राब हो गई है और रणवी बोल रही है कि मुझे नहीं जाना शिमला, मुझे वापस जाना है दिल्ली। तो अभी हम लोग गाड़ी खड़ी करके आराम से वेट कर रहे हैं रणवी का कि रणवी कब बोलेगी चलने को, और मूड ठीक कर रहे हैं लिमकप ला के। ये देखिए ये है रेलवे ट्रैक, जो कालका से शिमला जो ट्रेन आती है ना उसका ट्रैक है। तो अभी हम लोग एक्चुअल में धर्मपुर में हैं, तो जाएंगे सोलन और कंडा घाट, उसके बाद हमारा ये पूरा रूट है। रोड बहुत बढ़िया है, मौसम देख रहे हो आप मेरे पीछे कितना बढ़िया मौसम हो रखा है, ठंडा मौसम है तो बहुत मज़ा आ रहा है, बट अनवी की हालत ख़राब है। हालत ख़राब हो चुकी है, टोटल कितने घंटे की ड्राइव कर ली हमने, 5 बजे निकले थे घर से एक्चुअल, जब हाईवे पकड़ा था 5 बजे, और अभी करीब 1:15 हो रहे हैं। तो अब तो ऐसा मन कर रहा है कि जल्दी से होटल पहुँचे, और थोड़ा लेट है जाके बेड पे, कमर बिल्कुल टेढ़ी हो गई है बैठे बैठे, और पीछे भी जो यात्री हैं सबकी हालत ख़राब हो गई है, बैठे हुए हैं बस शक्ल देख रहे हैं एक दूसरे की बस। और प्रॉब्लम एक ये भी हो रही है कि किलोमीटर्स कम नहीं हो रहे हैं, बार बार देख रहे हैं तो कभी 5 कभी 5.5 कभी 3, तो बड़ी दिक्कत हो रही है, अब तो परेशान हो गए। बट व्यू और मौसम बहुत बढ़िया है, ऑसम बिल्कुल, बस इसी को देख देख के मन कर रहा है ड्राइव करने का, और बस धीरे धीरे चल रहे हैं। थोड़ा बच्चों ने परेशान किया वरना इसके अलावा वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है, और मैक्सिमम जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैक्सिमम लोग बाहर के जो HP के नहीं हैं या फिर पंजाब के नहीं हैं, मैक्सिमम गाड़ीज खड़ी हैं, लोगों को वॉमिटिंग हो रही है, तो आई थिंक ये सिकनेस होती है माउंटेन्स पे लोगों को, हाइट सिकनेस। तो बट ठीक है, मुझे लगता है एक दिन लगेगा, एक दिन के बाद नॉर्मल हो जाएगा, और आप लोग व्यू का मज़ा लीजिए ठीक है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, और कमेंट भी दे देना जैसा भी लगे। और आपसे अब मिलते हैं होटल पे चल के, होटल दिखाएंगे आपको और फिर दिखाते हैं क्या है होटल में कैसा है। तो चलिए फिर, सो गाइस हम लोग आ गए हैं अपने होटल पे, और बस अब यहाँ पर गाड़ी पार्क कर देते हैं एक बार, फिर देखते हैं आगे कहाँ। सो गाइस ये है हमारा होटल, और ये होटल हमने शिमला से थोड़ा पहले लिया है क्योंकि शिमला में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो हमने ये करीब 6 किलोमीटर पहले तारा देवी का मंदिर है उस एरिया में लिया है। ये इसकी एंट्री रिसेप्शन, तो ये रिसेप्शन है इस होटल का, और अभी हम लोग रिसेप्शन पे बैठे हैं, तो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद रूम में चलेंगे और फिर आपको रूम का दिखाएंगे टूर, कैसा रूम का टूर है। चलिए फिर, तो
सो गाइज ये हमारा रूम है और बहुत थक चुके हैं, तो अभी सोच रहे हैं कि जल्दी से थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद आपको रूम टूर तो दे ही देते हैं। ये हमारा रूम है डिलक्स, ये बेड है, इधर टीवी है और ये वॉशरूम दिखाते हैं आपको। वॉश क्लीन है, बढ़िया। और सबसे इसमें है ना वो आपको दिखाता हूँ मैं व्यू, ये देखिए ये बालकनी से व्यू है, अरे ग्रीन माउंटेन्स दिख रहे हैं। और ये जो माउंटेन्स है ना ये वो हैं जो तारा देवी का टेंपल है यहाँ पर फेमस, अगर आपको पता होगा तो तारा देवी के पास ही ये है। सो हाय एमवी, हाय, कैसा लग रहा है आपको शिमला आके? अच्छा। अच्छा लग रहा है? हाँ। तबीयत खराब हो गई थी आपकी कार में? हाँ। ओ क्या हो रहा था आपको? वॉमिट हो रही थी। और स्टमक में पेन भी हो रहा था क्या? हाँ। ओ फिर आप कैसा लग रहा है? अच्छा। ओहो चलो बढ़िया है। अभी ओवरऑल ये था गाइस, सो अब इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और फिर एक नया वीडियो स्टार्ट करेंगे जब होटल से निकलेंगे। तो अभी आगे का प्लान देखते हैं, अभी डिस्कस करेंगे क्या प्लान है हमारा। तो ठीक है गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ कमेंट जरूर दीजिए। चलिए बाय बाय, थैंक यू।